पाठ्य पुस्तक का नया लेसन सीखने जा रहे हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो एक संवेदनशील प्राणी है ना? बिल्कुल सही। क्योंकि संवेदनशील यानी उसे दूसरों की भावनाओं महसूस करता है। तो इसी तरह से मनुष्य के मन में संवेदना जब जागृत होती है तब वो उसके अपने जो स्वार्थ होते हैं वो उसे बहुत छोटे से लगने लगते हैं और उसके हृदय में सच्ची मानवता जागृत होती है। ऐसे ही आज हम नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नौकर। बच्चों, सोमियो नो नाम के जो लेखक है उन्होंने ये कहानी लिखी हुई है। ये कहानी मास्को से संबंधित है। आपको बताइए, मास्को रूस की राजधानी है। यह यूरोप का सबसे बड़ा शहर है मास्को, और उसी पर आधारित वहाँ की एक कहानी है। बच्चों देखो, यहाँ बैठे बैठे हम देश विदेश की कहानियाँ भी हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक में पढ़ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। बस ये कहानी मास्को की हो या कहीं से भी, लेकिन लिखी हुई वो हिंदी में उसका अनुवाद किया हुआ है। और हमें भी कुछ देश विदेश की भी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें से मानवता जो है कुछ अच्छे जीवन मूल्य है जो हमें लेने जैसे हैं, और इसी तरह से उसका अनुवाद हिंदी में करके ये कहानी हमें यहाँ पर दी गई है। बहुत ही सुंदर कहानी है। यहाँ पर ऐसे एक नौकर को केंद्रबिंदु करते हुए यहाँ पर लेखक ने जो कहानी उसके जीवन पर आधारित लिखी हुई है, एक दोस्त अपने दोस्ती की खातिर किस तरह से एक नौकर को उसके नौकरी से हटाने का प्रयास करता है, और लेकिन वो नौकर जहाँ पर काम कर रहा है उसका जो मालिक है वो मालिक किस तरह से अपने नौकर पर वफादारी निभा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, जो संवेदनशील नहीं होते हैं, संवेदना उनके मन में जागृत नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी कम दिखाने के लिए वो किस तरह से खराब है ये दिखाकर लोगों के मन में उसकी प्रतिमा कैसे कम कर देते हैं, यही आज हम इस पाठ में देखने जा रहे हैं। तो बच्चों पढ़ते हैं हमारा नया लेसन नौकर। बड़े दिन से पहले मास्को में काम मिलना कठिन होता है। उन दिनों आदमी बड़े दिन का इनाम पाने की आशा में छोटे से छोटा काम भी कर लेता है। इन्हीं दिनों जरासीम अपने गांव से मास्को लौट आया, लेकिन 20-21 दिन तक जगह जगह भटकने पर भी उसे कोई काम न मिला। तो बच्चों यहाँ पर मास्को की कहानी है, और मास्को में सबसे बड़ा दिन यानी क्रिसमस को माना जाता है। तो इस क्रिसमस के दिनों में इनाम पाने के लिए यहाँ पर जहाँ जहाँ लोग काम करते हैं वहाँ के जो उनके मालिक होते हैं वो ये क्रिसमस उनका जो सबसे बड़ा त्यौहार है, उस त्यौहार के दिनों में वो अपने नौकरों को बहुत बड़ा इनाम देते हैं। और इसी इनाम को पाने के लिए वहाँ जो नौकर होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उससे क्या करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, और ऐसे दिनों का वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। और ऐसा ही एक दिन यानी क्रिसमस का दिन जिसे बड़े दिन के बारे में कहा है, और वो है क्रिसमस जो मास्को में है। और यहाँ पर जरासीम अपने गांव से मास्को, यानी यहाँ पर हमारा पहला पात्र है जरासीम। ये जो जरासीम है वो अपने गांव से यानी मास्को में है, वो छोटे से गांव में रहता है, और मास्को इस शहर में वो छोटे से छोटा काम ढूंढने के लिए आया है। वो जगह जगह भटक रहा है। अब देखते हैं आगे, उसके गांव के कई मित्र और संबंधी मास्को में नौकरी करते थे। जरा सिंह उन्हीं में से एक के पास ठहरा हुआ था। वह मास्को में बचपन से रहता आया था। पहले वह एक मधुशाला में खाली बोतलें धोने का काम करता था। बाद में वह एक व्यक्ति के यहाँ घरेलू नौकर हो गया था। अब भी वही होता यदि उसे फौजी काम के लिए गांव न बुलाया गया होता। न जाने क्यों
उसे फौज में भर्ती नहीं किया गया, वह गांव के जीवन का अभ्यस्त नहीं था, इसीलिए वह मास्को वापस आ गया। अब ये जरासिम के बारे में यहाँ पर इसी तरह से कहा गया है कि जरासिम जो था वो मास्को जैसे छोटे से गांव में, वहां से दूर गांव में रहता था, लेकिन गांव से वो बिल्कुल अनजान था, क्योंकि उसने अपना जीवन ज्यादा से ज्यादा मास्को इस बड़े शहर में ही गुजारा था, इसीलिए वो अभ्यस्त यानी उसका आदि नहीं था, उसकी आदत नहीं थी गांव में रहने की, इसीलिए वो नौकरी पाने के लिए मास्को शहर आया। और जब वो इधर उधर भटक रहा था तो उसे पता चला कि अपने गांव के बहुत सारे ऐसे उसके बराबर के उसके मित्र हैं जो मास्को में काम करते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर पहले भी ये जो जरासिम था ये मास्को में एक मधुशाला यानी शराब के दुकान में, जो बड़े बड़े दुकान थे वहाँ पर वो काम करता था, और वहाँ पर उसका काम था उस शराब की खाली बोतलें धोने का। लेकिन हुआ यह कि उसे उसके गांव से एक पत्र आ गया और उसे तुरंत गांव में बुलाया गया। उस पत्र में यही लिखा था कि तुम्हें फौज में भर्ती होना है और इसीलिए तुम वहाँ की नौकरी छोड़कर तुम तुरंत गांव आ जाओ। और इसी के भरोसे वो अपने जहाँ पर वो काम कर रहा था मधुशाला में, वहाँ के मालिक को कोई बात न बताते हुए वो चला गया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि उसे फौज में भर्ती ही नहीं किया गया और उससे पछतावा हुआ अपनी नौकरी छोड़ने का भी, और इसी तरह से वो दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए वापस अब मास्को आ गया है। वो तो फिर से मधुशाला में नहीं जा सकता क्योंकि बिना कहे वो अपने मालिक से चला गया था, तो एक तरह से मालिक का तो विश्वासघात ही किया ना। तो यही ध्यान में रखना है बच्चों कि जब जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर अगर हमें कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए या कुछ काम है, तो हमें अपने मालिक से या हम जहाँ पर काम करते हैं उनसे हमें बोलकर जाना चाहिए, ताकि उनको भी हमारे लिए हमारे ऊपर भरोसा होता है कि चलो भी हमसे परमिशन यानी इजाज़त लेकर गया हुआ है, आ जाएगा एक दो दिन बाद या कुछ दिनों की मुदत जो आप देते हैं उस तरह से वो इंतज़ार करते हैं। लेकिन ऐसा जरासिम ने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए उसके मालिक ने दूसरा नौकर तुरंत वहाँ पर रख दिया था और उसकी नौकरी छूट गई। अब वो दर दर फिर रहा है। अब जरासिम का एक मित्र मास्को के बाहरी छोर पर एक दयालु व्यापारी शारुख के यहाँ कोचवान था। अब देखो उसे याद आया कि उसका मित्र जो है जरासिम का, वो एक मास्को का जो दयालु व्यापारी है उसके यहाँ पर कोचवान का काम करता है। कोचवान यानी क्या? तो कोचवान यानी घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। तो मास्को में ये बहुत पुरानी कहानी है जहाँ पर ये बड़े बड़े कार मीन्स जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की उस समय प्रसिद्धि नहीं हुई थी, तो घोड़ा गाड़ी वगैरह चलाने का काम ही वहाँ पर होते थे। तो ऐसे ही घोड़ा गाड़ी चलाने वाले एक व्यापारी का वो कोचवान जिसे कहा गया है, तो इस तरह से वो एक तरह से अब हम जो कहते हैं ड्राइवर, उस तरह से वो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को कहते हैं कोचवान। तो उसका मित्र कोचवान था, उसे उसकी याद आ गई। उसका नाम था चेगोर डानिलिक। वह जरासिम के ही गांव का था। एक दिन जरासिम अपने इसी मित्र के पास आया। कोचवान ने उसका स्वागत किया और पूछा, क्या हाल चाल है, आजकल क्या कर रहे हो? बहुत बुरा हाल है चेगोर डानिलिक। यह किसने कहा? जरासिम ने चेगोर डानिलिक को कहा कि भाई बहुत बुरा हाल है, कई सप्ताह से मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार यानी बिना किसी काम का, मेरे पास कोई कामकाज नहीं है, ऐसा ही मैं बेकार हूं। क्यों, अपने पुराने मालिक के पास नहीं गए? उसके मित्र चेगोर ने उसे पूछा। वो कहता है गया तो था, फिर जगह पहले ही भर चुकी है। तो उसने कहा कि मेरी जगह उसने पहले ही भरी हुई है, तो अब वहां पर कोई खाली जगह ही नहीं है काम करने के लिए। यह बात है, तुम्हारे काम करने का ढंग ऐसा है कि जब तक नौकरी करते हो तब तक तो जैसे बेगार डालते हो, तभी तो एक बार नौकरी छोड़ने पर तुम्हारा दोबारा काम नहीं मिलता। तो यहाँ पर उसने यही कहा, अपने चेगोर ने अपने जरासिम मित्र को यही कहा कि तुम्हारी यह आदत है ना बहुत बुरी है, जहाँ पर तुम काम करते हो वहाँ पर जान छिड़कते हो।
पहले वहाँ से चले जाते हो और फिर तुम्हें पछताना पड़ता है, यही तुम्हारी एक सबसे बड़ी खराबी है। और इसी तरह से तुम्हारी ये जो पहली नौकरी थी वो ऐसे ही छूट गई। अगर तुम अपने मालिक से कुछ बोल कर जाते तो वो मालिक इस तरह से दूसरी तुम्हारी जगह पर दूसरा नौकर कुछ दिनों के लिए रखते तुम्हारे आने तक और वापस तुम्हें ले लेते। तो इस तरह से उसने उसकी गलती का एहसास उससे करवा दिया। उसने चैगोर डांगलिंग ने जरासिम को यह बात बताई। अब जरासिम उदास बैठा था, वह देख रहा था कि उसका मित्र आवश्यक रूप से बात को बड़ा चढ़ाकर कह रहा है। उसने चैगोर से कहा, सो तो मैं जानता हूं पर तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी है ही कितने, दुनिया में कोई 10-20 चैगोर तो है नहीं। यदि तुम अच्छा काम न करते होते तो तुम मालिक के यहाँ 12 बरस कैसे गुजारते। तो इस तरह से यहाँ पर उसने जरा से उदास बैठा था और उसके मित्र उसे जो बोल रहा था उसके ऊपर उसने चैगोर से कहा, जरासिम ने, अरे तुम्हारे जैसे ऐसे कितने वफादार लोग हैं, बस कितने 10-20 यानी हाथों की उंगलियों पर गिनने इतने ही तो लोग हैं जो इतने अपने मालिक से वफादारी से काम कर रहे हैं। चलिए, ये उसने इस तरह से कहा क्योंकि उसे काम है ना अपने मित्र से, इसीलिए उसने थोड़ा सा उसकी तारीफ वहाँ पर की ताकि चैगोर उसकी कोई मदद कर सके। चैगोर के मुंह पर मुस्कुराहट फैल गई। देखो फैल गई ना, आप भी कभी किसी की तारीफ करोगे तो थोड़ा सा मस्का लगाते हैं तो पॉलिश करते हैं, तो इसी तरह से जरा सिंह ने भी चैगोर को इस तरह से थोड़े उसकी क्या की तारीफ की और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उसने अपनी प्रशंसा अच्छी लगी। तभी चैगोर को मालिक ने बुलाया, तनिक ठहरो मैं अभी आया कहकर चैगोर चला गया। लौट कर आया तब उसने कहा, अभी आधे घंटे में गाड़ी तैयार करके मालिक को शहर ले जाना है। अच्छा सुनो, यदि तुम चाहो तो मैं मालिक से तुम्हें नौकरी पर रखने के लिए कहूँ। क्या उन्हें नौकर चाहिए, ऐसा जरासिम ने पूछा। नहीं, एक है तो सही पर बूढ़ा हो गया है और उससे अब काम नहीं होता। यदि मेरे लिए कुछ कर सको तो मैं जीवन भर तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। तो इस तरह से जरासिम ने भी अपने मित्र को कहा और वो वहां से चला गया। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगा, कल सवेरे आना। उसने कहा कि अभी मुझे मालिक के साथ शहर जाना है उन्हें कुछ काम के लिए, और जाते जाते उनका मूड देखूंगा और तुम्हारी नौकरी के लिए उनसे बात करूंगा, तुम मुझे कल मिलना। इस तरह से कहकर वो अपने काम के लिए निकल पड़ा और जरा से अपने नौकरी ढूंढने के इसके ऊपर भी चला गया। शाहरुख की गाड़ी पर बैठते ही घोड़े उड़ चले। अब घोड़े उड़ चले यानी घोड़ा उड़ता नहीं है, यानी दौड़ने लगे यानी आगे बढ़ने लगे। शहर में अपना काम निपटा कर जब शाहरुख घर लौट रहा था तब चैगोर ने ताड़ लिया। ताड़ लिया यानी उसे उसने देख लिया कि अभी हमारे मालिक का मूड बहुत अच्छा है, यह उसने अनुभव कर लिया, एहसास हुआ उसे इस तरह का कि चलो अब बात छेड़ने में कोई ये नहीं है क्योंकि शाहरुख का यानी उसके मालिक का मूड बहुत अच्छा है। इस तरह से वह प्रसन्न मुद्रा में यह देखकर बेहद नम्रता से चैगोर ने अपने मालिक शाहरुख से कहा, शाहरुख फियोडोरिक, शाहरुख फियोडोरिक मुझ पर कुछ कृपा कीजिएगा। उसने इस तरह से शुरुआत में देखो किस तरह से कहा कि शाहरुख फियोडोरिक मुझ पर कुछ कृपा कीजिएगा। क्या बात है, इस तरह से उसने कहा, मेरे गांव का एक लड़का यहाँ आया हुआ है, वह बड़ा ही भला है पर बेचारा बेरोजगार है, आप उसे नौकर रख लीजिए, घर का सारा ऊपरी काम कर दिया करेगा। उसके ऊपर शाहरुख ने कहा, और पॉलीकार्पिक का क्या करेगा। देखो शाहरुख के यहाँ पर जो बूढ़ा नौकर था, ऑलरेडी उसके घर पर एक नौकर था लेकिन वो बूढ़ा था, जिसका नाम है पॉलीकार्पिक। क्या है पॉलीकार्पिक, वो उसके बारे में पूछता है, अगर मैं तुम्हारे मित्र को यहाँ पर नौकरी के लिए रुकूंगा
मेरा पुराना नौकर जो है वो पोलोगर पे क्या करेगा। तो इस तरह से अब चेगोर जो है उसे क्या कहता है अब हम देखते हैं। वो बूढ़ा किस काम का है, अब तो उसे निकाल देना चाहिए, यह तो ठीक नहीं है, शारोन ने कहा। वह मेरे पास कितने लंबे समय से है, बिना कारण ही उसे नौकरी से निकाल देना ठीक नहीं होगा। देखो शारोन के मन में संवेदनशीलता थी और जो पोलोगर के उसके घर में नौकर था वो बड़े दिनों से बड़े लंबे समय से उसके यहाँ पर बड़े वफादारी से काम कर रहा था, भले ही वो बूढ़ा हो चुका हो। और इसीलिए वो कहता है कि लेकिन बिना कारण, यानी उसका तो कोई दोष भी नहीं है, ऐसा कोई गलती भी नहीं है कि मैं उसे कुछ गलती दिखाकर नौकरी से निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से कहने के बाद अब देखो चेगोर उसे क्या कहता है। माना कि वह आपके पास वर्षों से है, तो इससे क्या हुआ, कोई मुफ्त में तो उसे काम किया नहीं, काम के लिए उसे पैसा मिला है और फिर बुढ़ापे के लिए उसे कुछ ना कुछ बचा कर तो रखा ही होगा, बचा लिया होगा। कैसे बचा सकता था वह, कोई अकेला तो है नहीं, वह उसकी पत्नी भी तो है, कोयला ढोकर वह भी तो काम लेती है। आप पोलोगार्पिक और उसकी पत्नी की फिक्र क्यों करते हैं। देखो यहाँ पर शारोक के घर पर जो पोलोगार्पिक था वो शारोक के यहाँ पर भी काम करता था और उसी के घर के पास एक छोटी सी कुटिया थी, उस कुटिया में वो अपनी पत्नी के साथ रहता था और उसकी पत्नी भी खाली नहीं बैठती थी, वो भी कोयला ढोकर वो क्या करती थी, अपना घर चलाने के लिए उसके अपने पति को मदद करती थी, उसे उसके उनकी संवेदना उसे पता थी शारोक को। और इसीलिए उसने कहा कि उसकी पत्नी और ये मीन्स वो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं और अच्छे वफादारी से काम कर रहे हैं तो फिर क्या बात है। तो इसी बात पर चेगोर जो है उसके मन में अपने मित्र के प्रति जो स्वार्थ है वो जागरूक होता है कि किसी भी तरह से उसे, अब देखो वो शारोक को किस तरह से इस पोलोगार्पिक की गलतियां दिखा रहा है। मैं आपको सच बताऊं, वह बहुत खराब काम करता है, आप उस पर अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। वह ठीक समय पर कमरा साफ नहीं करता, जिस दिन रात को पहरा देने की उसकी बारी आती है रात भर में कम से कम 10 बार घर जाकर सोता है, परंतु वह करे भी क्या, ठंड उससे सही नहीं जाती। अब यहाँ पर उसने देखो उसकी ये सारी गलतियां बता दी ताकि शारोक को ये सारी बातें पता नहीं है, इसीलिए उसने कहा कि सिर्फ ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन अब मैं उसकी गलतियां, तो उसने इस तरह से उसकी गलतियां दिखाने के लिए शारोक को कहा कि मास्को जैसे जो ठंड प्रदेश है उस जगह पर बहुत ठंड होती है और इसीलिए उसने कहा कि ठंड के समय में ये तो बूढ़ा व्यक्ति है रात भर पहरा कहाँ दे सकता है और वो ठीक तरह से पहरा देता नहीं है, काम भी ठीक तरह से करता नहीं है, बहुत खराब काम करता है, इस तरह से उसकी गलतियां दिखाई। अब उसके ऊपर देखो शारोक क्या कहते हैं, तब भी यह बात बुरी है, मेरे पास वह 15 वर्ष से काम कर रहा है, अब बुढ़ापे में उसे निराश्रित कर देने से पाप लगेगा। शारोक ये सारी गलतियां देखकर भी उसे टाल देता है और कहता है कि तो क्या हुआ, 15 साल से इतने वफादारी से वो मेरे घर में काम कर रहा है और दोनों पति पत्नी बूढ़े हो चुके हैं, उनका तो कोई नहीं है इस शहर में, और फिर उन्हें मैं निराश्रित कैसे कर दूंगा, उन्हें ऐसे ही मैं कैसे छोड़ दूंगा, ये मेरे तत्व में या मेरे इसमें नहीं आ रहे, मुझे ये सब अमान्य है, मैं नहीं इसे मंजूर कर सकता। और ऐसी छोटी गलती तो बुढ़ापे में होती रहती है लेकिन उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो इस तरह से शारोन ने इन गलतियों को भी क्या कर दिया, अनदेखा सा करने का सोच लिया। लेकिन फिर भी शारोन जो फिर भी चेगोर जो है उसे अपने मित्रों को वहां पर काम पर लगाना ही है और पोलोगार्पिक जो है उसे तो उसे हटाना है, इसलिए वो चुपचाप नहीं रहता, उसे और भी भड़का रहा है। पाप, आप उसका कुछ बिगाड़ थोड़ी रहे हैं, वह भूखो तो नहीं मरेगा, दान गृह में चला जाएगा, मजे से बैठा बैठा खाएगा। उन्होंने कहा अरे तो क्या हुआ, वो ऐसे ही अनाथ आश्रम जो है, ऐसे अनाथ आश्रम कितने हैं, ऐसे अनाथ आश्रम में जाएगा जहाँ पर दान गृह है, यानी भोजन वगैरह भी दान में मिलते हैं, ऐसे जगह पर जाएगा, खा पी कर आराम से रहेगा, बिना काम किए आराम से रहेगा। इस तरह से वो शारोक को उसके बारे में कहते
कहता है कि तुम उसके बारे में कोई चिंता मत करो। शारोन ने चेवर की बात पर कुछ देर विचार किया और बोला, ठीक है, उसे उस लड़के के लिए कुछ न कुछ करूंगा। साहब, कृपा उसे नौकरी दे दीजिए, मुझे उस पर बहुत दया आती है, चेगोर ने लगभग चिचोरी करते हुए कहा। यहाँ पर चिचोरी जो है उसका अर्थ है खुशामद करना, यानी थोड़ी सी उससे चापलूसी वो करने लगा। अगली सुबह जरा सिंह चेगोर के पास आया और उसने पूछा, कुछ किया मेरे लिए? कोचवान ने जवाब दिया, ये कोचवान कौन है? चेगोर दानली, यानी जरा सिंह का मित्र। हाँ, सब कुछ कर दिया, आओ चाय पी ले, फिर मालिक के पास चलेंगे। परंतु जरा सिंह को चाय में कोई रुचि नहीं थी, वह नौकरी के बारे में निश्चिंत हो जाना चाहता था। फिर भी शिष्टाचार के नाते उसने जल्दी जल्दी चाय पी ली। उसे जल्दी थी कि मुझे नौकरी मिल जाए, बस उसका यही एक मकसद था कि एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, इसलिए चाय में उतना उसे दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैंने उसके खातिर, अपने मित्र की खातिर वो जल्दी जल्दी में चाय पी गया। चाय पीकर दोनों शाहरुख के पास पहुंचे। शाहरुख ने उसे पूछा, तुम पहले कहाँ काम करते थे? जरा सिंह के उत्तर देने पर शाहरुख ने कहा, मैं तुम्हें ऊपर के काम के लिए नौकर रख सकता हूँ, कल सुबह से काम पर आ जाओ। जरा सिंह खुशी से झूम उठा, उसने कृतज्ञ भाव से चेगोर के सामने हाथ जोड़ दिए। चेगोर ने उसे कहा, अच्छा तो अब अपना काम अच्छी तरह से करना, नहीं तो मुझे मालिक के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। यदि तुम एक काम में गलती करोगे तो मालिक तुम्हारे हर काम में गलती निकाला करेगा और तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। यह ऐसा क्यों कहा होगा शाहरुख ने? बराबर, क्योंकि वैसे तो शाहरुख को नौकर की जरूरत नहीं थी, लेकिन जरा चेगोर ने उसे बहुत फोर्स किया, इसीलिए शाहरुख इस उसके मित्र को, चेगोर के मित्र जरा सिंह को नौकरी पर रखने के लिए तैयार हुआ था। और इसीलिए उसने कहा कि बड़े कष्ट के कारण, बड़े बड़े अच्छे पापड़ बेलने के बाद मैं तुम्हें यह नौकरी दे रहा हूँ, इसीलिए उसे प्रामाणिकता से करना, छोटी सी छोटी गलती करोगे तो मालिक तुम्हारे हजार गलतियाँ निकालेगा, इसी तरह से उसने कहा। जरा सिंह ने कहा, अच्छा ठीक है, यह कहकर वो चला गया। कोठी से बाहर फाटक तक जाने के लिए एक चौगान पार करना पड़ता था, जरा सिंह वहीं से बाहर जाने लगा। चौगान यानी आंगन। चौगान के एक कोने में एक कोठरी थी, कल से जरा सिंह को उसी कोठरी में रहना था। कोठरी से बत्ती जल रही थी, जरा सिंह उसी कोठरी की झलक देखने के लिए उत्सुक हुआ। वह खिड़की से सटक कर खड़ा हो गया, अंदर कोई बात कर रहा था उसे सुनाई पड़ा। अब अंदर जो कोठरी थी जहाँ पर जरा सिंह को कल से नौकरी पर आने के बाद जहाँ पर उसे रहना था, उस कोठरी से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे हटकर वो बातें सुनने लगा। तो उसे क्या सुनाई दिया, देखो तो अब हम क्या करेंगे, एक बूढ़ी स्त्री का स्वर था। ये बूढ़ी स्त्री कौन थी? तो शाहरुख की यानी पॉलीकार्पिक की बूढ़ी पत्नी थी। मैं क्या बताऊँ, क्या बता सकता हूँ, भीख मांगनी पड़ेगी और क्या, और हम कर भी क्या सकते हैं, अब कुछ नहीं रहा, बूढ़ी बोली। हाँ, हम गरीबों की जिंदगी कितनी बुरी होती है, हम सवेरे से लेकर आधी रात तक काम में जुटे रहते हैं और ऐसे ही सारी जिंदगी बिता देते हैं। फिर एक दिन सुनते हैं कि निकलो जाओ यहाँ से, बूढ़ी ने दुखी स्वर से कहा। तो फिर क्या करें, मालिक कोई हमारा संबंधी तो नहीं है, उसके सामने रोना धोना तो बहुत बेकार है, वह तो अपना फायदा ही देखेगा ना। सभी मालिक ऐसे ही नीच होते हैं, अपने अलावा और किसी की परवाह नहीं करते, उन्हें यह ख्याल नहीं होता कि वह वर्षों तक ईमानदारी और सच्चाई से सारा काम करते हुए अपनी जान खपा देते हैं, अब मालिक हमें साल भर भी अपने पास रखने को तैयार नहीं है, यद्यपि आज भी हम उसी प्रकार काम करते हैं। यहाँ पर वो बूढ़ी जो नौकर थे, पति पत्नी, उनके यहाँ पर बातचीत जरा से सुन लेता है और इन दोनों के संवाद इस तरह के सुनने के बाद कि वो कितने परेशान हैं, एक तो इस शहर में उनका कोई अपना नहीं है और फिर वो कहाँ जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, इसी के ऊपर उनकी जो
बातचीत हो रही थी, ये सारी बातचीत, दुख भरी बातचीत जरा सिंह ने सुन ली। इसमें मालिक का इतना दोष नहीं है जितना कि उस कोचवान का। चैगोर उसे किसी दोस्त को नौकरी दिलाना चाहता है, बूढ़े ने कहा। हाँ, वही विष की गांठ है। तो बूढ़ी जो है उसने कहा कि विष की गांठ यानी वही इस सब हमारे नौकरी को निकालने वाला सबसे बड़ा विष वही है, पर मैं उसकी सारी चालाकी निकाल दूंगी। ये उसकी पत्नी कह रही है नौकर की। मैं मालिक से शिकायत कर दूंगी कि वह घास और दाना चुरा चुरा कर बेचता है, बूढ़ी स्त्री ने गुस्से से कहा। अरे नहीं, जाने भी दो, क्यों बुढ़ापे में पाप मोल लेती हूँ? पाप कैसा? जो कुछ मैं कर रही हूँ वह सच नहीं है क्या? फिर हम कर भी क्या सकते हैं, हम कहाँ जाएंगे? कमबख्त कोचवान ने तो हमारा सत्यानाश कर डाला, कहते कहते बुढ़िया सुबगने लगी यानी रोने लगी। जरा सिंह ने यह सब सुना तो उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कले जैसे छुरी भोंक दी हो। यह नौकरी कर लेने पर इस वृद्ध दंपत्ति पर कैसी मुसीबत पड़ेगी, इसकी कल्पना बूढ़े दंपतियों की बातें सुनकर जरा सिंह के कलेजे में ऐसा छुरा किसी ने छुरा भोंक दिया हो ऐसा उसे महसूस हुआ। यह नौकरी कर लेने पर इस वृद्ध दंपतियों पर कैसी मुसीबत पड़ेगी, इसकी वो कल्पना करके ही काम उठा। कुछ देर वह पागल सा खड़ा रहा, फिर कोचवान के कमरे की ओर लौट पड़ा। अरे, क्या कुछ भूल गए? नहीं तो चैगोर दार्लिंग, मैं इसलिए लौटा हूँ कि सुनो, मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे नौकरी दिलवाई, परंतु मैं यह नौकरी नहीं कर सकता। जरा सिंह की बात सुनकर चैगोर का मुंह खुला का खुला ही रह गया। मैंने वो आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि जरा सिंह मुझे नौकरी दिलाने के लिए मेरे पास चक्कर काट रहा था और उसे नौकरी दिलाने के लिए मैंने अपने मालिक से उन दंपतियों के बारे में झूठ मूठ ऐसे बोल दिया कि वो उसे सच लगने लगे और उस मालिक ने भी उसके मेरे ऊपर भरोसा किया और उन दंपतियों को निकालने के लिए वो तैयार होकर उस चैगोर को भी यानी जरा सिंह को भी नौकरी देने के लिए वो तैयार हो गया। और अचानक आज ये चैगोर जरा सिंह जो है वो नौकरी क्यों ठुकरा रहा है? आपके भी मन में यही प्रश्न बन रहा होगा ना, जरा सिंह ने इस नौकरी को क्यों ठुकराया होगा, क्यों मना कर दिया? सही बात है बच्चों, यही कि जैसे हमने शुरू में देखा था कि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है और जब उसके मन में जब संवेदना जागृत होती है तब वह अपनी जो जरूरतें होती है, अपना जो स्वार्थ होता है वो भी वो बहुत कम दिखाई देता है उसे और वो फोकस करता है उन लोगों के प्रति। उसके मन में वो जागरूकता निर्माण होती है मानवता की, एक मनुष्यता कैसी होनी चाहिए वो मनुष्यता उसके मन में जागृत होती है। और यही हुआ कि जरा सिंह जो है उसके मन में संवेदनशीलता जागृत हुई और उस बूढ़े दंपतियों के प्रति जो उसका दुख था उसे उसने महसूस किया। अपने कानों से जब उन्होंने दोनों की बातें सुनी तब उसे एहसास हुआ कि मुझे नौकरी किस तरह से मिली, मेरी नौकरी मिलकर किसी का नुकसान हो रहा है, कोई बेघर हो रहा है और ऐसा बेघर हो रहा है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो भी बूढ़े हैं, वो कुछ दिनों के मेहमान हैं और ऐसे मुसीबत में वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके ऊपर इतनी दर दर की ठोकरें इस दुनिया में, मैं तो जवान हूँ, मैं तो किसी भी तरह से हार निकाल सकता हूँ और छोटी मोटी नौकरी या इधर उधर अपने मित्रों के यहाँ पर रहकर अपना गुजारा कर सकता हूँ या कभी कुछ न मिला तो भी मैं बाहर भी सोकर अपना दिन निकाल सकता हूँ, छोटी मोटी नौकरी कर सकता हूँ, लेकिन ये बूढ़े दंपत्ति क्या करेंगे, कहाँ पर जाएंगे? ऐसे बूढ़े व्यक्तियों को सहारे की बहुत ज़रूरी है और उन्हें इस तरह से मैं बेघर कर दूंगा तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा और उनकी जो बददुआएं हैं वो तो मुझे कभी सही तरीके से जीने नहीं देगी। इस तरह से मनुष्यता उसके मन में जाग उठी और उसने वहीं पर तय कर दिया कि ये नौकरी मैं नहीं करूंगा। और वो धन्यवाद अपने मित्र को चैगोर को इसलिए करता है कि उसने अपने मित्रता को टिकाने के लिए
कारणवश ये नौकरी नहीं कर सकता। और उसका नौकरी न करने का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही था कि बूढ़े दंपतियों को बेघर नहीं करना है, क्योंकि वो कुछ दिनों के मेहमान हैं। तो बच्चों, इसी तरह से हमारे संसार में ऐसे कई वृद्ध लोग होते हैं जिनके प्रति हमारे मन में वो संवेदना जागृत नहीं होती है। हम ऐसे ही यूं ही उन्हें इस तरह से बेघर कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये न हो, यही हमें इस पाठ से सीखना चाहिए कि जरासिम की तरह हमें भी सोचना चाहिए, हमारे मन में भी अपना स्वार्थ छोड़कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति के भी जरूरतों को देखकर केवल उसके खातिर हमारे जो स्वार्थ है उसका त्याग करना आना ही सबसे बड़ी मनुष्यता है। इसी मनुष्यता को यहाँ पर जरासिम ने हमें दिखाया है। और दूसरी बात रही चैगोर की, कि चैगोर ने भी किस तरह से अपने मित्र को, अपनी दोस्ती निभाने के लिए उसने जैसे झूठ मूठ का बोलकर अपने मालिक से, अपने दोस्त के लिए उसने दोस्ती केवल निभाने के लिए वो सब कुछ बूढ़े दंपतियों के प्रति जो झूठ मूठ का जो उसने बोल दिया था वो सब अपने केवल मित्रता के खातिर किया था। यहाँ पर चैगोर भी सही तरीके से था अपनी जगह पर, क्योंकि वो मित्रता निभाना चाहता था। और यहाँ पर जरासिम जो है उसने अपने नौकरी के प्रति जो वहाँ से निकाले जा रहे थे बूढ़े व्यक्ति, उन दोनों को उसने क्या किया, एक मनुष्यता दिखा दी, उनके प्रति दया भाव उसके मन में जा उठा और उसने वहाँ पर अपना जीवन का यानी नौकरी का वो त्याग कर वो वहाँ से चला गया। तो बच्चों, इसी पाठ में से हमें संवेदनशीलता, मानवीयता और त्याग की भावना, ये सब गुण, मानवीय गुण हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। हमारे जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते रहते हैं कि इनमें से हमें अगर कभी इस तरह का त्याग करना हो किसी के अच्छे के लिए तो वो जरूर हमें करना चाहिए। त्याग करने से हम बहुत बड़े बन जाते हैं, हमारा स्थान ऊंचा रहता है। बच्चों, यही कहा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता है मनुष्यता, उस मनुष्यता कविता में भी यही कहा है कि मनुष्य का जीवन यूं ही नहीं मिलता है, अगर वो मिलता है तो मनुष्य का जीवन एक नश्वर है, क्योंकि वो जिस तरह से जन्म लेता है उसी तरह से मृत्यु वो अटल ही है। लेकिन मृत्यु कैसी होनी चाहिए, तो वो सहज यानी अच्छी तरह से होनी चाहिए, उसे हमें अच्छी तरह से कुछ अपना नाम, अपना काम करके यहाँ पर जाना है, ऐसा काम करना है जिसका नाम सालों साल तक लोग अपने जबान पर रखेंगे। और इसी तरह से उसके लिए हमें त्याग करना पड़ेगा, जिस तरह से आज जरासिम ने उन दंपतियों के लिए अपने नौकरी का भी त्याग कर लिया, तो उसी तरह से त्याग की भावना भी बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। तो यही हमें भी जरासिम की तरह सीखना है। तो बच्चों, यही पर हमारा ये जो नौकर पाठ है ये यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।